और दोस्तों आपको याद होगा Realme की तरफ से एक स्मार्टफोन आया था जिसका नाम था Realme XT। ये स्मार्टफोन पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें आपको क्वाड कैमरे देखने को मिले थे, इसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिला था। इस स्मार्टफोन को बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया था क्योंकि वाकई में ये स्मार्टफोन अच्छा था। तभी माधव सेठ ने एक बात और बोली थी कि वो ऐसा ही एक और मोबाइल लेकर के आएंगे जिसका प्रोसेसर चेंज होगा, उसका नाम होगा Realme XT730G। ये स्मार्टफोन आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन 17 दिसंबर को आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसका फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज भी आ गया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, ये Realme XT730G के नाम से इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन है वो आपको नाम से देखने को मिलेगा Realme X2 के नाम से। चाइना में लॉन्च होगा Realme XT730G के नाम से, इंडिया में आपको Realme X2 के नाम से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, Realme की तरफ से यहां पे उनके ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स भी आपको 17 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं Realme X2 के बारे में, प्राइस से लेकर के, स्पेसिफिकेशन से लेकर के और Realme के बड्स को लेकर के भी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये जो स्मार्टफोन है बिल्कुल Realme XT जैसा ही है, कुछ चीजें चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी डिजाइन और डिस्प्ले तो बिल्कुल सेम Realme XT जैसी दी गई है। 6.4 इंच की यहां पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को आपको मिलेगी। बैक में आपको बिल्कुल सेम वही 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं साइड में, और बैक में भी यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। बैक और फ्रंट दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी बैटरी के बारे में, तो यहां पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 13 वॉट का बुक चार्जर आपको देखने को मिलेगा और मैं आपको बता दूं 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट के साथ आ जाएगा। ओवरऑल वही Realme XT जैसी सेम इसमें आपको बैटरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 64GB और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों कैमरे की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का यहां पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाएगा। अगेन आपको लास्ट जो फोर्थ कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि माइक्रो शॉट के लिए दिया गया है। तो ओवरऑल बैक के कैमरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, बैक के कैमरे Realme XT जैसे ही सेम है, यहां पे दोस्तों फ्रंट कैमरा इसका चेंज है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहां पे Realme XT आया था उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, यहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूव किया है Realme वालों ने। रही बात दोस्तों यहां पे इसके प्रोसेसर की, तो मैं आपको बता दूं Realme XT में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट देखने को मिला था। इस बार आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिल रहा है, मतलब उसका काफी ज्यादा अपग्रेड है। और ये प्रोसेसर जो है मैं आपको बता दूं गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस के बारे में, तो वैसे यहां पे क्लियर मेंशन नहीं की गई है लेकिन ये कंफर्म है इसकी जो प्राइस है बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाली की, तो 15,000 या 16,000 रुपए से ऊपर नहीं जाने वाली, ये फैक्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है, जहां पे आप 1,000 रुपए देकर के प्री बुकिंग कर सकते हो। और जैसे ही ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। 24 तारीख से पहले पहले आपको सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि 24 तारीख तक आपका ये स्मार्टफोन है वो आपके घर पर आ जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, Realme की तरफ से आपको Realme के ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसकी प्राइस वो फ्लिपकार्ट पर मेंशन कर दी गई, जहां पे प्राइस है 4,999। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसको आप अभी परचेज ना करें क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले इसको ऐसे ही लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लॉन्च होंगे तो वहां पे आपको डिस्काउंट में इसकी प्राइस कम दिखाएंगे, बहुत सारे लोग इसको परचेज भी कर लेंगे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, पहले ये लॉन्च हो जाए उसके बाद आप इसको देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको Realme X2 की सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको Realme के ईयरबड्स की भी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि क्या पता लोग स्मार्टफोन खरीदे या ना खरीदे लेकिन Realme के ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के बारे में भी उन्हें जानकारी हो जाए। मैं मिलता हूं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।